आप सभी पूछ रहे थे कि भाई 10,000 रुपए के नीचे कोई ओप्पो के अंदर अच्छा सा स्मार्टफोन नहीं है, तो ओप्पो ने लॉन्च किया है ओप्पो A18। तो फटाफट से इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं और देखते हैं कि स्मार्टफोन आपके लिए सही है या फिर नहीं है, इसके अंदर कैसा स्मार्टफोन मिलता है, चार्जर वगैरह कितने वोट का मिलता है। फटाफट से इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं और देखते हैं अंदर क्या क्या सामान मिलता है। तो यहाँ पे जो बॉक्स है वो नॉर्मल ओप्पो के बॉक्सेस की तरह ही है। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो एक ट्रांसपेरेंट सा कवर मिल जाता है और यहाँ पे कुछ डॉक्यूमेंटेशन एंड सिम इजेक्टर टूल मिल जाता है। इन सभी को रखते हैं साइड में और निकालते हैं मोबाइल को बाहर। और यहाँ पे ओप्पो आपको बताऊंगा, आजकल जितने भी स्मार्टफोन्स आते हैं वो यहाँ पे पेपर के अंदर आते हैं, यानी कि यहाँ पे प्लास्टिक नहीं मिलती है। तो यहाँ पे बाहर बाद में निकालेंगे, एक बार साइड में रख देते हैं, पहले देखते हैं अंदर क्या क्या सामान मिलता है। और चार्जर अगर देखेंगे तो यहाँ पे 18 वोल्ट का इसके अंदर चार्जर देखने को मिल जाता है। और अगर केबल देखें तो टाइप ए टू टाइप सी चार्जिंग दिखाता हूँ। तो केबल देखेंगे तो टाइप ए टू टाइप सी चार्जिंग केबल मिल जाती है। तो अब निकालते हैं मोबाइल को बाहर और देखते हैं कि स्मार्टफोन कैसा है। ओ भाई साहब, डिजाइनिंग तो काफी कमाल की लग रही है। आप देखोगे ऐसे पीछे 3 कैमराज है, तो 2 कैमरा है पीछे, फ्लैश लाइट है। तो स्मार्टफोन दिखने में काफी अच्छा है। और जो आजकल की जो मतलब ओप्पो की डिजाइनिंग आ रही है, सभी स्मार्टफोन इसी डिजाइनिंग के अंदर आ रहे हैं। और राइट साइड के अंदर देखोगे पावर बटन एंड वॉल्यूम बटन से मिल जाते हैं। पावर बटन के ऊपर आपको फिंगरप्रिंट मिल जाएगा, नीचे स्पीकर, नीचे आपको यहाँ पे टाइप से चार्जिंग पोर्ट, नीचे माइक, और नीचे आपको 3.5 mm का जैक मिल जाएगा ईयरफोन वगैरह लगाने के लिए। लेफ्ट साइड के अंदर सिम स्लॉट मिलता है, जिसके अंदर 2 सिम कार्ड और 1 मेमोरी कार्ड आप लगा सकते हो। ऊपर की साइड में कुछ भी नहीं मिलता है। डिजाइनिंग आप देखोगे ना भाई साहब, मुझे काफी कमाल की लगी 10,000 रुपए के नीचे। पर चार्जर थोड़ा कम है इस प्राइस के अंदर, आपको चार्जर थोड़ा बहुत बढ़ सकता है पर चार्जर ठीक है। और दोस्तों इसकी जो प्राइस है 9,999 रुपए है। और अगर आप इसको अमेजोन से खरीदते हो तो वहां पर अगर आप SBI का कार्ड लगाते हो तो ये आपको 9,000 रुपए के अंदर मिल जाएगा। और ये जो मेरे पास वेरिएंट है 4GB RAM और 64GB के अंदर है। और इसके अंदर आपको 6.56 इंच की HD+ डिस्प्ले मिल जाती है, 90Hz इसके अंदर रिफ्रेश रेट देखने को मिल जाती है। पर यहाँ पर वाटर ड्रॉप नोच मिलता है, थोड़ा सा पंचोल हो जाता है क्योंकि ये सब कुछ ओल्ड हो चुका है। तो यहाँ पे वाटर ड्रॉप नोच देखने को मिलेगा। और यहाँ पे डिस्प्ले काफी यहाँ पे ब्राइट है, अगर आप धूप वगैरह के अंदर जाओगे तो आराम से चल जाएगी। और इसके अंदर 5,000 mAh की बैटरी मिलती है, अगर आप नॉर्मल यूजेज के लिए इसको खरीदना चाहोगे तो पूरे दिन आपके आराम से चल जाएगा। और दोस्तों अगर वेट देखोगे तो काफी ज्यादा हल्का है, यहाँ पे काफी हल्का महसूस होता है। दिखने के अंदर काफी प्रीमियम लगता है, ऐसे लगता नहीं कि 10,000 का, ऐसे लगता है 15-16,000 रुपए का स्मार्टफोन है। और अगर इसके अंदर प्रोसेसर देखोगे तो MediaTek Helio G85 मिल जाता है, जो कि इस प्राइस के हिसाब से प्रोसेसर ठीक है। पर अगर आपका प्लान है कि मुझे तो सिर्फ गेमिंग के लिए फोन चाहिए, तो ये गेमिंग के लिए नहीं है, आप इसको नॉर्मल यूजेज के लिए लेना चाहो, जैसे कि नॉर्मल कॉल वगैरह, यूट्यूब पर पढ़ाई वगैरह करनी है, तो आप इसको ले सकते हो। अगर आपको हेवी यूजेज के लिए चाहिए तो आपको प्राइस थोड़ी बढ़ानी पड़ेगी। या फिर दोस्तों अगर इस प्राइस के अंदर आपको भारी प्रोसेसर चाहिए तो फिर आपको यहाँ पे मोटोरोला की तरफ जाना चाहिए। या फिर दोस्तों यहाँ पे रेडमी के अंदर भी इस प्राइस के अंदर आपको अच्छे खासे प्रोसेसर के स्मार्टफोन्स मिल जाते हैं। और अगर बात करें ना इसके कैमरा के बारे में कि कैमरा इसका कैसा है, तो पीछे इसके 2 कैमराज मिलते हैं। जो मेन कैमरा है 8 मेगापिक्सल का, 2 मेगापिक्सल का एक कैमरा और जिसका कोई ज्यादा यूजेज नहीं है। और जो फ्रंट कैमरा है वो है 5 मेगापिक्सल का। तो चलिए मैं आपको कुछ फोटोज वगैरह दिखाता हूँ। तो आप फोटोज देखोगे यहाँ पे अंधेरे के अंदर थोड़ी लो लाइट होगी तो फोटो इतनी अच्छी नहीं आती है, पर यहाँ पे आप अच्छी तरह से पोर्ट्रेट वगैरह के अंदर भी फोटोज क्लिक कर लेते हो अगर आपके पास अच्छी लाइट है, यानी कि आप आउटडोर वगैरह के अंदर फोटोज वगैरह अच्छी क्लिक कर सकते हो। या फिर पोर्ट्रेट वगैरह के अंदर आप देख सकते हो अच्छी खासी फोटोज क्लिक हो जाती है प्राइस के साथ। तो फाइनली दोस्तों बात करें कि स्मार्टफोन आपको खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए, तो मैं आपसे यही कहना चाहूंगा, अगर आप अपने बच्चों को पढ़ाई के लिए स्मार्टफोन दिलाना चाहते हो या फिर दोस्तों आप इसको ऐसे नॉर्मल यूजेज के लिए खरीदना चाहते हो तो बिल्कुल खरीद सकते हो। नहीं तो दोस्तों आपको थोड़ा सा बजट बढ़ाना चाहिए, आप यहाँ पे रेडमी 12 5G की तरफ भी जा सकते हो, आपको अभी ऑफर के अंदर 11,000 वगैरह के अंदर मिल जाएगा। या फिर जो Redmi 12 है 4G के अंदर उसकी तरफ भी जा सकते हो, उसके अंदर प्रोसेसर थोड़ा सा भारी है इससे, तो आप अपनी मर्जी से चूज कर सकते हो। पर अगर आपको नॉर्मल यूजेज के लिए चाहिए और आपको ओप्पो का स्मार्टफोन चाहिए, क्योंकि काफी लोगों को यहाँ पे ओप्पो की ब्रांड ज्यादा पसंद आती है, तो फिर आप ओप्पो A18 खरीद सकते हो। लेटेस्ट स्मार्टफोन है अभी ओप्पो की तरफ से 10,000 रुपए की। आपको कैसा लगा ओप्पो A18 आप कमेंट करके जरूर बताना। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप ऐसी कोई भी यूजफुल वीडियो मिस ना कर पाओ। मिलता हूं मैं आपसे ऐसी किसी नई वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।